श्री सती नमो नमः, ओम श्री आर्या नमो नमः, ओम श्री त्रिनेत्रा नमो नमः, ओम श्री चित्रा नमो नमः, ओम श्री चित्रूपा नमो नमः। भक्त जनों, आज हम आप सबको माता दुर्गा की अति पावन और सुमधुर कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रवण से मनुष्यों के समस्त भय और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन परम मंगलमय हो जाता है। तो आइए पावन कथा का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। जाते हैं भक्त जनों, माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह माता ने दुष्ट असुर जनों का संहार करके भक्तों का कल्याण किया, आइए वह सारी कथा श्रवण करते हैं। एक बार रंभासुर नाम का एक मायावी दानव था, जिसे एक भैंस से प्रेम हो गया। दोनों के संयोग से एक महापराक्रमी और बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। सुर का मन हर्षाया, अति बलशाली सुत को पाया। महिषी ने उसे जन्म दिया है, रंभासुर ने कुशल किया है। धीरे धीरे बड़ा हुआ जब नाम पड़ा है महिषासुर तक। महिषासुर में बचपन से ही बुद्धि और शक्ति अपार थी। महिषासुर के भय से सुर मुनि सब घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता दी बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो। भक्त जनों, एक बार महिषासुर ने अपनी शक्ति को अजय बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, यह सृष्टि के विधान के विपरीत है, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं जो अमर हो, इसलिए तुम कुछ और मांग लो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। महिषासुर तब बोला, स्वामी यह वर दीजिए अंतर्यामी, चाहे जो भी सम्मुख आए कोई मुझसे जीत न पाए। पुरुष जाति से भय ना खाओ, स्त्री से ही मारा जाओ। महिषासुर ने सोच समझ कर ब्रह्मा जी से मांगा यह वर। ब्रह्मा देव निज लोक सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता दी बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो।
जनों मनवांछित वरदान प्राप्त करके महिषासुर अपने धाम लौट आया और समस्त दैत्यों का राजा बन गया। फिर उसने दानवों की एक विशाल सेना एकत्रित की और पाताल सहित मृत्युलोक को जीत कर अपने बस में कर लिया। बल के अहंकार में वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा और फिर उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। अब आगे सुनिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। सेनाओं को ले दानव ने किया आक्रमण देवलोक पे, इंद्र आदि सब देवों ने भी महायुद्ध की तैयारी की। युद्ध छिड़ गया है अति भारी, चलते वरछी तीर कटारी। दिव्य अस्त्र जब टकराते हैं प्रलय रूप वे बन जाते हैं। जिसके भीषण ध्वनि से सब जन अति घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता दी बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो। भक्त जनों, देवताओं ने अपनी सारी शक्ति लगा ली, परंतु वे किसी भी तरह महिषासुर और उसकी सेना को परास्त नहीं कर सके। जब देवता दानवों के सामने कमजोर होने लगे तो वे सभी अपने प्राणों को बचाकर युद्ध से भाग खड़े हुए। अब आगे सुनिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। सिंहासन पर महिषासुर तब बैठा जाकर, सत्य धर्म पे संकट छाया, अधम जनों का मन हर्षाया। पूजा जप तप नियम धर्म सब बंद हो गए सत्य कर्म तब। हाहाकार है चहुं दिस छाया, दानव ने आतंक मचाया। यज्ञ भाग भी अब तो सारे देव न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता दी बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो। भक्त जनों, जब इस प्रकार दसों दिशाओं में धर्म की घोर हानि होने लगी और अज्ञान का अंधकार फैल गया, तो समस्त देवता ब्रह्मदेव और भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुंच गए। सभी देवताओं ने महिषासुर का सारा हाल कह सुनाया। अब आगे सुनिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। महिषासुर पे मर के कारण जीत न पाए, लौट सभी हरि धाम से धाए। करने लगे विचार सभी जन, किस प्रकार से मरे ये दुर्जन। पितृदेव के मन में आया, आँख बंद कर ध्यान लगाया। तीनों के तन से प्रकाश कुछ बाहर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता दी बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो। भक्त जय
जनों, ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ साथ समस्त देवताओं के शरीर से भी बड़ा ही दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो कुछ दूर जाकर आपस में मिल गया और फिर देखते ही देखते उस दिव्य प्रकाश ने एक परम सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ सभी देवताओं ने भी अपने दिव्यास्त्र उस देवी की सेवा में भेंट स्वरूप प्रस्तुत कर दिए। अब आगे सुनिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। जोड़कर हाल सुनाया सब रो रो कर, घोर गर्जना की शक्ति ने गूंज उठा जो सब लोगों में। महिषासुर ने शब्द सुना जो सेना लेकर दौड़ पड़ा, तब युद्ध छिड़ गया है अति भारी, चलने लगे है तीर कटारी। महिषासुर के सैनिक अगणित शस्त्र चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता दी बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो। भक्तजनों, जब महिषासुर के सैनिकों ने माता भगवती को चारों तरफ से घेर लिया और महाभयंकर अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे, तो माता शक्ति ने देखते ही देखते उन समस्त दानव सैनिकों का पल भर में ही संहार कर दिया। अब आगे सुनिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। नाश देख कर दौड़ा दानव माँ शक्ति पर, माँ शक्ति के गणों को जाकर देने लगा है कष्ट निशाचर। फिर माँ के वाहन पर धाया, क्रोधित होकर भय दिखलाया, माँ ने अपने पास फेंक कर बांध दिया है उसे वहीं पर। अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता दी बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो। जनों, जब माता ने उस दानव को बांध दिया, तब उसने भैंस का रूप छोड़कर सिंह का रूप ले लिया। जब माता ने उसके सिंह रूप का सिर काट दिया, तब वह मनुष्य रूप और फिर हाथी के रूप में आकर उत्पात मचाने लगा। परंतु जब माता ने अपनी तलवार से उस हाथी के सूंड को भी काट दिया, तब वह फिर से भैंस के रूप में आ गया। अब आगे सुनिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। पुनः भैंस के रूप में आया, दसों दिशाओं में भय छाया, सिंहों से पर्वत उखाड़ता, हरे भरे वन को उजाड़ता। माया उसकी कहीं न जाए, देख देवता सब घबराए, 9 दिन तक रण हुआ भयंकर, करता रहा वो छल बल निश्चय। 10वें दिन तो माँ के मन में क्रोध समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता।
बोलो भक्तो जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तो जय माता दी बोलो। भक्त जनों, दसवें दिन माता भगवती ने ऐसा अस्त्र प्रहार किया कि वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और फिर माता उछलकर उसके छाती पर बैठ गई। वह पुनः जो ही मानव रूप में आने लगा, माता ने तत्काल ही उसका शीश काट कर संहार कर दिया। अब आगे सुनिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, दुर्गा माता की जय। महिषासुर का दूर हुआ है, तीनों लोक हुआ है निर्भय। देव सिद्ध संतों ने मिलकर की है दिव्य स्तुति सादर। देवों का मन सुमन खिला है, स्वर्ग लोक जो पुनः मिला है। शुंभ निशुंभ दैत्य को मारा, धूम्र विलोचन को संहारा। के चरणों में त्रिदेव भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। जय माता दी बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो, मिलजुल करके बोलो भक्तों, जय माता दी बोलो। भक्तजनों, एक बार दुर्गमासुर नाम का एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं की आराधना पर माता प्रकट हुई और दुर्गमासुर का संहार किया। तभी से माता शक्ति को माता दुर्गा के नाम से भी जाना जाने लगा। बोली माता दुर्गा की जय। माता ने धारा शक्ति पीठ को जग विस्तारा। माता पार्वती बन आई, दुर्गा गौरी आदि कहाई। जो जन माँ का ध्यान लगाए, वह मन वांछित फल को पाए। कवि सानंद ने कलम चलाई, अनन्या ने फिर गाथा गाई। कथा प्रेम से सुनने वाले भव तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी भक्ति से भक्तों के दुख मिट जाते हैं।